कस्टम लिखने से पहले वीडियो के लास्ट में देख लेना कि रैंक प्लस होता है या क्या हुआ था, सब कुछ देख लेना। वीडियो के लास्ट में मैंने सारे प्रूफ्स दे दिए, तो ऐसा लिखना ही मत कि ये कस्टम है। तो वीडियो को देखो और मजे करो। गाइस, मैं नॉर्मली सीएस रैंक खेल रहा था, हमारे टीम में एक ग्रैंड मास्टर का प्लेयर था और सामने भी एक ग्रैंड मास्टर का प्लेयर और सामने दो सीजन 2 के बंदे भी थे। तो मेरे को लगा भाई रिकॉर्डिंग करना तो बनता है भाई, ये रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो क्या रिकॉर्डिंग करूंगा। सामने देखो सीजन 2 और भाई भागते हुए इसको हेडशॉट लगा। मैंने इसको जैसे जैसे नॉक किया और इस भाई ने पीछे से मार दिया मेरे को। मैं नॉक किया तो ठीक है, नॉक कर दिया, पर भाई इसके बाद जो होता है देखो गाइस, सारे चारों के चारों बंदे मेरे को लॉल मार रहे सीजन 2 के, और मेरे बंदे भाई अलग ही नशे में, उनका नेट जा रहा है कि क्या हो रहा है भाई, वो लोग अलग ही बोल रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो ये लोग चारों बढ़ गए और ये लोग भाई फिर से लॉल इमोट दिखाए जा रहे हैं। भाई देखो देखो सामने भाई लॉल इमोट। भाई ये बात देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, तो इस राउंड में सोचा मैं जाऊँगा, पर यार इस राउंड में मेरा नेट चला गया था तो मैं गन नहीं ले पाया और भाई इन लोगों ने फिर से मारा। ठीक है, इस बार तो भाई और भी देखो भाई तीनों, और ये भी आ रहा है भाई, उछल उछल के आके खड़ा हो गया। भाई भाई लॉल इमोट प्लीज़ मत दिखा यार, भाई लॉल कितना दिखाओगे यार, भाई लॉल दिखाए जा रहे। भाई मैंने ये देख के मैंने सोच लिया भाई इनको इतना पेलूंगा, इतना पेलूंगा किसी ने सोची ना होगी। और वो वाला बंदा क्या कर रहा है भाई पता नहीं, वो बोल रहा है भाई रात के 12 बज रहे ना, मेरे घर से बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है। वो भाई आ गया और इधर से आके एक को नॉक करेगा ना अभी, हाँ एक को नॉक कर दिया और भाई इसको पेल नहीं जा रहा था, भाई नहीं मार पाया। भाई इस चीज़ को देखने के बाद मेरा इतना ज़्यादा दिमाग गर्म हो रहा है कि भाई सिर से पूरा फटके लावा निकल रहा है, लावा, सोच समझ पा रहे हो। और ये जो नवनीत वाला बंदा है ना, ये फ्रेंड लिस्ट पे शायद ये मेरे को पहचानता है ना, क्योंकि मैं इसके साथ एक वीडियो भी बनाया हूँ, शायद इसके लिए ये बोल रहा हो कि और भी लॉल दिखाओ, सामने में हेक्सन भाई है। और भाई ये रैंक है, आप लोग देख सकते हो, अगर रैंक नहीं होता ना तो मतलब वो जो रैंक का सिंबल है वो नहीं दिखाता, अगर कस्टम होता तो। भाई ये रैंक मैच है, कोई भी तरफ से देख लो भाई ये रैंक मैच है। ओके, नीचे अगर किसी ने फेक फेक लिखा ना तो बहुत पहले जाओगे, सही बता रहा हूँ पहले से ही। तो मैंने इनको कह दिया कि जाओ जोन में जाओ, मैं 1v4 करूंगा इनको, तो भाई ऐसा पेलूंगा कि किसी ने सोची ना होगी, देख लो भाई। और भाई अगर किसी ने कमेंट में फेक वीडियो लिखा ना तो उसकी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। अगर किसी ने भी फेक वीडियो लिखते हुए दिख गया तो उसको बहुत ही ज्यादा पेलो, इतना पेलो कि किसी ने सोची ना होगी। देखो भाई इधर से मैंने एक जन को नॉक किया, भाई वो लोग बहुत ही ज्यादा मार रहे थे, और इसको भाई ये जोन रिवाइव दे रहा है, भाई क्या कर रहा है भाई, ये जैसे जाके उनको मारता हूँ। रुको भाई ये तो बहुत ज्यादा डैमेज है, भाई ये तो डैमेज था, भाई मेडिकेट लगा रहा था, भाई ये भी खत्म। और ये बंदा आया इधर से और इसको भी नॉक, भाई ये लास्ट बंदा बाकी है कहाँ पे पता नहीं यार, ये रहा पीछे है भाई, इधर इधर ही है भाई, इसको हेड, भाई इसको भी हेड, लो भाई पूरा स्क्वाड ले गया मैं। गाइस मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, ये गेम को मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, तो ऐसा मत सोचना कि भाई क्या हो रहा है, एक्शन भाई को ऐसा पता कैसे चल रहा है कि कौन कितना जल्दी मार रहा है। क्योंकि भाई ये देखो भाई इसको, भाई ये राउंड सबसे डेंजर था भाई, देखो भाई पीछे से मार दिया भाई मेरे को, मार के भाई ये अलग ही सीन भाई, ये लोग क्या इनके अंदर जादू आ गई क्या पता भाई। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, अभी सब्सक्राइब भी कर दो यार, हमको जल्दी से जल्दी 200K तो कंप्लीट करना ही है भाई। और देखो भाई इधर से भाई ये मेरा एक दोस्त था, ये लोग उधर गए उनको मार के, भाई ये आया हमको, उसको लॉल रिमोट दिखा रहे थे पता है सब मिलके, तो इसने मेरे को रिवाइव दे दिया। मैंने सोचा अब तो भाई इनको पेलना ही है, जैसे भी करके पेल देंगे, पर इधर मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम थी तो मैंने इधर ग्लू वॉल लगा के पैर हील करने की सोची, पर यह भाई कूद कूद के स्काइलर लगा लगा के मार दिया भाई, खत्म, पूरा खत्म कर दिया यार। पर अभी भी इमोट दिखाए जा रहे हैं भाई, इतना बढ़िया एक किया तो भी क्लच। अब भाई सिर्फ लास्ट राउंड बचा था, मतलब वो एक भी राउंड जीत गए तो पूरा मैच ही खत्म हो जाएगा, और मुझे पूरा बदला तो लेना ही था। तो इधर से चालू होता है मैच, भाई इसको भी खत्म, भाई पूरा स्क्वाड खत्म, भाई ये लोग भाई लॉल इमोट तो दिखाना बनता है इनको यार, भाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा उछल रहे थे। देखो दो राउंड जीत गए और दो राउंड जीतना है, तो मैंने सोचा चलो 1v4 कर देता हूँ, ऐसे तो हम जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते, पर 1v4 अगर करूँगा ना तो इज्जत अलग ही होगी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को ज़्यादा इमोट दिखाया है ऐसे, मतलब चार जनों ने मिलकर एक साथ मतलब ग्रुप बना के मेरे को इमोट दिखाया, बहुत ही गंदा काम किया है वो लोगों ने। तो भाई ये लोगों ने हमको ग्लोबल ग्लोबल तो बहुत सारी चीज़ें तो दे दी है, पर क्या कर सकते हैं, जितना ले सकते हैं उतना ही लेंगे और चलते हैं अभी और क्या। और भाई वो यार ग्लू वॉल 5-7 पहले ले सकते थे, वो बहुत बढ़िया। ये सामने सामने आ रहा था, चलो इसको हेड, भाई आगे चलते हैं। और कहाँ है भाई ये बंदा, इधर से आया भाई, इसको भी हेड, भाई तो दो बंदे डाउन हो चुके, और इसको भी भाई, भाई क्या हो रहा है भाई, लग गया लग गया लग गया भाई, लास्ट बंदा जिंदा है कहाँ पे है भाई, ये रहा भाई, इसको भी हेड, लो भाई पूरी स्क्वाड फिर से पेल दी भाई, ये लोग इमोट दिखा रहे थे ना, लो अब देखो इमोट। यार गाइस आप लोग भी सोचो यार, सामने वाला यूट्यूबर है तो इसको इमोट दिखाने की क्या जरूरत है, हर टाइम इमोट दिखाते रहते हो भाई, ऐसा कौन करता है भाई। इस टाइम मेरा नेट चला गया था और मेरे तीनों बंदे डाउन, और ये लास्ट राउंड था, अगर मैं इसमें नहीं जीत पाया तो भाई पूरा मैच गया। देखो इसको इधर से लूट रहा था, उसको डैमेज दिया, और ये बंदा इधर से आने ही वाला है, चलो इधर से आ गया है इसको भाई, अरे भाई लग जा भाई, नॉक हो गया, और इधर से ये नॉक हुआ, इधर से आ रहा है भाई, अरे क्या हो गया भाई, ये भी चलो इसको भी हेड लग गया लास्ट टाइम में, और ये भी डाउन, और
तीनों को खत्म। भाई कैसा मजा आया भाई, मेरे को इमोट दिखा रहे थे ना अब लोग। अब रुको रुको गाइस, सबको प्रूफ भी तो चाहिए होगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हेटर्स अब सब्सक्राइब भी करो। देखो भाई मैं लास्ट में देख लो कि क्या मैं प्रूफ देता हूँ। देखो भाई मैंने इधर एमबीपी किया है और मेरा देखो रैंक भी प्लस हुआ, ठीक है, क्लास प्लेटिनियम 1 पे ही था। और ये देखो मैंने 13 किल भी किए और लॉबी में देखो सामने वही वाले बंदे थे।